हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कैसी मिठाई जिसे बनाना बहुत इजी है और ये मिठाई तीन चीज़ों से बन के रेडी हो जाती है। तो आप पहली बार भी बनाना चाहते हैं तो इस मिठाई को आप आसानी से बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये मैंगो से बना है, बट ये मैंगो से नहीं बना है, सिर्फ तीन चीज़ों से बना है। तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। तो चलिए इन्हें हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ मिक्सर जार, आपको एक मिक्सर जार लेनी है और एक कप मैं मिल्क ली हूँ, ये फुल क्रीम मिल्क है। तो अब हम डालेंगे नारियल का बुरादा। आप सबसे पहले घर का जो भी कप या कटोरी हो आप उसे सेट कर ले, उसी से सारा माप ले तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आधा कप नारियल का बुरादा ली हूँ। उसके बाद मैं ली हूँ आधा कप चीनी, आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो एक दो चम्मच आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मैं ग्राइंड कर ली हूँ, कितना अच्छा से ग्राइंड हो चुका है। बहुत इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है ग्राइंड करने से, और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है नारियल का बुरादा डालने से। उसके बाद मैं ली हूँ यहाँ पे एक पैन, उसके बाद आधा कप मैं डालूंगी सूजी। आपको यहाँ पे लो फ्लेम करनी है, आपको हाई नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएगा। उसके बाद आपको लगातार इसको चलाते रहना है, 5 से 7 मिनट तक आपको भूनना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे लो फ्लेम हम रखेंगे और अच्छे से भूनेंगे। तो ये सूजी से मिठाई बनने वाला है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये बन के रेडी होता है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो हम इस मिठाई को बनाने के लिए ना हम यूज करेंगे मावा, ना चाशनी, ना पनीर। तो आप इसे लगातार चलाते जाइएगा, ये थोड़ा सा कलर ब्राउन हो जाता है, लो फ्लेम पे आपको चलानी है तो हल्का सा इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है। तो अब हम डालेंगे जो मैं ग्राइंड की थी नारियल का बुरादा और दूध और चीनी, उसको मैं मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर भी आपको लो फ्लेम करनी है ताकि ये बहुत जल्दी सूजी अब्जॉर्ब कर लेता है दूध को। तो ये देखिए कितना जल्दी अब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पर मैं लो फ्लेम रखी हूँ। तो अब मैं डालूँगी ऑरेंज फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं कलर, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो ये इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा मिठाई का लुक चेंज होता हो जाता है और अच्छा लगता है देखने में। तो इसको हम लगातार मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और लो फ्लेम पे यहाँ पे करेंगे हम। तो ये देखिए बाइंड होना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैं मिल्क पाउडर डाली थी बट वो सूट नहीं हो पाया है। तो अब यहाँ पे 1 से 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा चिकना होने के लिए। घी डालने से क्या हो जाता है ना, 2 चम्मच घी डालने से इसका मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए बाइंड होना शुरू हो चुका है और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत आसान है बनाना। इसे बनाना इतना आसान है कि आप बार बार इसे बनाएंगे इस मिठाई को, और बहुत आसान है बनाना। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये मिठाई हेल्दी भी होता है, खास करके बच्चों के लिए भी, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इस मिठाई को खाना। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है बनाना। तो ये देखिए बाइंड होना शुरू हो गया है, हम 2-3 मिनट और चला लेंगे अच्छी तरीके से, बहुत इजीली ये बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए बाइंड हो गया, अब मैं गैस बंद करूँगी और एक बाउल में निकालूँगी। तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दी थी 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैं छू सकती हूँ, तो ये ठंडा हो गया है, थोड़ा हल्का सा गर्म ही रहेगा तो आप बना सकते हैं अच्छे से। तो ये देखिए थोड़ा मैं पेरे का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसका बर्फी भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये मैं पेरे का शेप दे रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये बन के रेडी हो जाता है। तो मैं ये देखिए मैं एक बनाकर रेडी कर ली हूँ, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा लूँगी और मैं उसमें डिप करूँगी, थोड़ा सा इसका लुक और बढ़ जाता है थोड़ा सा डालने से नारियल का बुरादा। तो एक मैं बना ली हूँ और फिर एक मैं बना रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे गोल करके और थोड़ा सा हल्का दबा देंगे तो ये पेरे का शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान है बनाना। तो फिर से मैं नारियल का बुरादा में डिप कर रही हूँ, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हमने सारे पेरे बनाकर रेडी कर लिया है, ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में बहुत मज़ेदार ये लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये बन के रेडी हुआ है। तो मैं चलिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया आया है, और ये इतना रसीला बन के रेडी हुआ है। आप एक बार खाएँगे तो आपको बार बार बनाने का मन भी करेगा और खाने में बहुत टेस्टी होता है।
है और हेल्दी भी होता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।